बैक टू माई चैनल। तो जी हाँ, आज मैं करने आई हूँ आपसे कुछ बातचीत। मैं कल देखने गई थी फाइटर मूवी, तो मैंने सोचा कि वो मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इज़ इट वर्थ वॉचिंग, क्या देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, कैसे एक्सपीरियंस मेरा था वो आपके साथ शेयर करूँ, एंड क्या मूवी का थीम है, किस के अराउंड वो बनाई गई है। सो हाँ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मेरा था, ये मूवी वॉज बेसिकली अराउंड हॉलीवुड मूवी है हमारे पास मैवरिक और टॉप गन। तो ये मूवीज़ जो हमारी फाइटर बनाई गई वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड थी, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें जो है उन हॉलीवुड मूवीज से उठाई गई थी। दिस वॉज वन ऑब्जर्वेशन जो पता चली, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ अ डिस्क्लेमर। अच्छा, हमको सिखा दिया है। फॉर ऑल दोज पीपल जो ये मूवीज देख चुके हैं जी, अगर आप फाइटर देखने जाते हो तो आप बहुत चीज़ें रिलेट कर पाओगे, या आप कह पाओगे कि शायद ये कॉपी की गई है। सो दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अदर देन दैट, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने ये हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखी थी, तो मेरा एक्सपीरियंस जो था विद द फाइटर मूवी वॉज रियली गुड। अगर हमें एक्चुअल एकदम 100% रियलिटी अगर आपको पर्दे पे दिखाई जाए तो हो सकता है कि आपको उतना मज़ा ना आए। तो इसलिए मूवीज़ बनती ही है ताकि एंटरटेनमेंट हो पाए, और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें ऐसे डेफिनेटली दिखानी पड़ती है जो शायद एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट करती होंगी। सीन था जिसमें फाइटर पायलट्स जो थे वो लिटरली पेड़ के लेवल पर उड़ाकर लेकर गए थे अपने प्लेन को, जो आई थिंक दैट डजंट हैपन, वो होता नहीं है। बट ठीक है, मूवी है तो मूवी को अगर उस माइंडसेट से देखेंगे कि ये मूवी है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो एक्चुअली ना होती हो, इन्जॉय कर पाओगे उस चीज़ को, मज़े ले पाओगे उस चीज़ के। सो मूवी बेसिकली स्टार्ट हुई थी कि कुछ लोग हैं जो एक मिशन के लिए मिल रहे हैं और बॉन्ड अप करते हैं, डिफरेंट पार्टीज और सब करते हैं जिससे एक अच्छा बॉन्ड बनता है। फाइनली इंडिया पाकिस्तान का जो एक मेजर पुलवामा अटैक होता है, जो हमें भी पता है इट वॉज़ अ बिग थिंग दैट हैपेंड, और उसके बाद स्ट्राइक किया था इंडिया ने अपनी तरफ से, एयर स्ट्राइक जो हुई थी वो कहीं ना कहीं दिखाई गई इसके अंदर, और उसके बाद किस तरह से एक अटैक जो है पाकिस्तान ने करा इंडिया पर, जिसके अंदर इंडियंस जो हमारे फाइटर पायलट्स थे वो बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं, और दो फाइटर पायलट्स जो हैं हमारे वो पाकिस्तान उन्हें अपना बंदी बना लेता है। तो ये एक पिक्चराइज सीन चलता रहता है। बीच में कहीं ना कहीं आप देख पाओगे एक डॉटर और एक फादर का बॉन्ड, जो दीपिका पादुकोण है उनका और उनके फादर का एक बॉन्ड, थोड़ा सा हल्का सा टिंज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की, यस आज के टाइम पर वुमेन्स और गर्ल्स आर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स विच यू नो अर्लियर शायद लोग नहीं सोचते थे, या काफ़ी उनको नीचे डिग्रेड करते थे कि ये काम तो नहीं कर सकती है लड़की। तो ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे छोटा छोटा हमें पोर्शन दिखाया गया है, एंड फाइनली हमें दिखाया गया है कि यू नो हाउ अ फाइटर पायलट, जो आर्मी के लोग होते हैं या जो भी नेवी ऑफिसर्स या जो भी हमारे देश को संभाल के रखे, जो रक्षा कर रहे हैं हमारे देश की, कि वो अपनी कंट्री के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। एंड एक एक इसी तरह का सीन है जो आप देखोगे मूवी में, कि यू नो वो अपने देश के लिए इतना डेडिकेटेड, एक फाइटर पायलट जो ट्रैप हो जा रहा है पाकिस्तान में, वो इतना डेडिकेटेड है उस चीज़ के लिए कि यू नो इरिस्पेक्टिव ऑफ उसको कितना भी मारा जा रहा है, पिटा जा रहा है, वो लिटरली अपने कंट्री का प्राइड जो उसके मन में है ना, वो गिनने नहीं दे रहा है। वो अपनी कंट्री से इतना प्यार करता है, फाइटर पायलट होता है जो इतना प्राइड फील करता है, वो लोग उसको, पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो उसको मार देते हैं, एंड लिटरली उसके टुकड़े कर देते हैं, उसकी बॉडी के पीसेस कर दिए जाते हैं। एंड एक ऐसा सीन है जहाँ नरेट करता है जो टेररिस्ट बेसिकली है पाकिस्तान का, वो नरेट करता है एक दूसरे हमारा एयर फाइटर जब जाते हैं फाइनली, उसको नरेट करता है कि किस तरह से उसे मारा गया। एंड आई रियली नो बहुत सैड, मतलब मैं लिटरली कल ये मूवी देख कर आई हूँ और मेरे साथ ऐसा हो गया था, मैं रात को आके भी आई वॉज गेटिंग दोज गूज बम्प्स दैट यू नो हाउ कैन समवन डू लाइक दिस। आई एम नॉट श्योर असलियत में कैसे कैसे भी होता होगा, बहुत सी चीज़ें होती होंगी शायद हमें नहीं पता है, बट वो एक ऐसा सीन था जो मेरे लिए पर्सनली बहुत
मेरा हार्ट मेल्ट हो गया, मैं लग नो दिस शुड नॉट हैपन विद एनी वन. एंड आई थिंक सेकेंड सीन जो एक था पर्सनली वो दैट वॉज दैट सीन जहाँ पे दीपिका पादुकोण अपने पापा से कुछ कॉन्वर्जेशन होता है उनका. दैट्स अ प्योर डॉटर फादर बॉन्ड सीन एंड बींग अ डॉटर आई कैन को रिलेट टू इट. सो दैट वॉज वन अदर सीन वेयर एक्चुअली आई स्टार्टेड क्राइम. आई डोंट नो वो लोगों को शायद पागलपना भी लगे क्योंकि इतना नहीं है, बट ठीक है, वो हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, अलग परसेप्शन होता है. सो ओवरऑल अगर मैं मूवी की बात करती हूँ, सो अगर आप ये हॉलीवुड मूवीज टॉप गन या मैवरिक नहीं देख कर जाते हैं तो आपको बहुत एंटरटेनिंग ये लगेगी. अगर आप ये देख कर भी जाते हैं तो एट सम पॉइंट यू माइट फील कि यार ये तो कॉपी कर ली गई है करके जो एक नरेशन दिमाग में आपके आएगा. बट अगेन इफ आई रेट दिस मूवी आउट ऑफ 5 आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 4. Talking about songs से मैं इतना relate नहीं कर पाई. There was only one song जो एक main theme song आएगा उसका, वो song से आप definitely आपके अंदर थोड़ा patriotism वाला feeling आपको आएगा. But other than that songs were average, ऐसे कुछ खास नहीं लगे मुझे तो. So इसलिए I think 4 on 5. But I would definitely suggest this is one time watch movie तो ये है ही, एक बार तो आपको definitely देखनी चाहिए. And yes, please do watch it and let me know that आपको ये movie कैसी लगी. Comment section में ज़रूर post करिए and subscribe to my channel for more such videos because this channel is not only about talking, this is about cooking, this is about traveling, this is about various other things. So do subscribe my channel and I would suggest to watch Fighter movie at least for once. It's a one-time watch movie and you should definitely watch it. So yeah, that's it. Thank you. That's it from my end. Thanks. Bye.